नमस्ते भाई। तो आज हम देखिए फिर से ये अगला लेक्चर लेकर के आए हैं जैन धर्म से रिलेटेड। और हमने पिछले लेक्चर में कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी महावीर स्वामी से संबंधित, ऋषभदेव और इसके अलावा जो तो पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। महावीर स्वामी जी के बारे में भी हमने कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी, जैसे उनका सामान्य जो परिचय था, माता पिता, जन्म, मृत्यु, पति, भाई और पत्नी, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो आज हम आगे थोड़ा चालू करते हैं इसको और थोड़ा सा आगे इसको ख़त्म कर देंगे यार जैन धर्म। इसके बाद फिर हम अगला लेक्चर बौद्ध धर्म से रिलेटेड लेकर के आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं जैन धर्म में देखिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और उनकी निर्वाण यानी जब उनको उनकी मृत्यु हुई तब 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि हम यहाँ पे देखें कि इन्होंने जो तप तप यानी तपस्या कब से कब तक की, इसके पहले मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये इनके जो भाई थे, कौन भाई थे, इनके भाई जो थे नंदीवर्धन, क्या नाम था उनका, नंदीवर्धन नाम था। क्या नाम था? नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा लेकर के, जब इनकी अवस्था कितने वर्ष की थी, 30 वर्ष की, तो नंदीवर्धन के आज्ञा लेकर के ये गृह त्याग करके चले गए थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे जब ये चले गए तो फिर ये जम्भेक में, कहाँ पर, जम्भेक में रेजुपालिका नदी के तट पर, इनको आपको याद रखना है जम्भेक में, कहाँ पर, जम्भेक में रेजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ पर, रेजुपालिका नदी के तट पर, रेजुपालिका नदी के तट पर, रेजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने 12 वर्ष तक क्या किया, तपस्या की है। कितने वर्ष तक? 12 वर्षों तक तपस्या की है। इसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई जब इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की, कहाँ पर, रेजुपालिका नदी के तट पर, जरम्भिक नदी के, रेजुपालिका नदी के तट पर जरम्भिक नामक स्थान पर इन्होंने तपस्या की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि बात करें तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस पॉइंट पे देखिए, जब इनकी ज्ञान जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें क्या कहा गया, जिन कहा गया। क्या कहा गया? जिन। जिन का अर्थ क्या था? विजेता। क्या था? विजेता। ठीक है, तो इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें जिन कहा गया यानी विजेता। ठीक है, अहर्त्य, अहर्त्य का, अहर्त्य कहा गया, अहर्त्य का मतलब होता है पूज्य। इनको क्या कहा गया? पूज्य कहा गया। क्या कहा गया? पूज्य कहा गया। और निग्रंथ का मतलब क्या कहा गया? बंधनहीन। क्या कहा गया? कि अब ये बंधनहीन हो गए हैं। ठीक है, बंधनहीन, अब मतलब इनके ऊपर संसारिक किसी भी बंधन का प्रभाव नहीं है जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, और यदि और बात करें तो जो जैन धर्म के जो अनुयायी थे, कौन, अनुयायी। ठीक है, तो इन्हें भी निग्रंथ ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि अनुयायियों को भी यही कहा जाता है। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है तो निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, आगे हम यदि बात करें यहाँ पे तो जो पहली भिक्षुणी थी, इसके पहले भिक्षुणी के पहले हम ये देखते हैं, जो पहले अनुयायी थे तो उनका नाम क्या था, जमाल या जामिल, जमाल या तो जामिल। ठीक है, जो कौन थे, इनके दामाद थे। ठीक है, इनकी बेटी का नाम क्या था, अनुयोज्या प्रियदर्शनी, अनुयोज्या प्रियदर्शनी। ठीक है, तो उनके पति थे जमाल। ठीक है, आगे यदि हम बात करें जो भिक्षुणी थी, जो महिला भिक्षुणी थी, तो उनका नाम क्या था, पहली जो महिला भिक्षुणी थी तो उनका नाम क्या था, चंपा। क्या नाम था? चंपा नाम था। क्या नाम था? चंपा नाम था। ठीक है, यदि यहाँ पे हम बात करें तो भिक्षुणी संघ की प्रधान, मतलब जो महिला जो पहली प्रधान बनी तो वो कौन थी, चंदना। कौन थी? चंदना। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है च से चंदना और च से चंपा, च से चंदना, च से चंपा। ठीक है, च से चंदना, च से चंपा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहली भिक्षुणी कौन थी जो उनके संघ में शामिल हुई, तो चंपा, और जो संघ की जो प्रधान बनी वो चंदना। ठीक है, आगे बात करें तो महावीर स्वामी ने जो इनके अनुयायी थे तो उनको कितने गण धर्मों में विभाजित किया, 11 गण धर्मों में। ठीक है, जो अनुयायी थे तो उनको कितने पार्टों में विभाजित किया था, 11 पार्टों में। ठीक है, यानी 11 समूह बना, इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए जो भद्रबाहु और स्थूल भद्र, भद्रबाहु और स्थूल भद्र, यहां से पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ, देखिए ये कहाँ पर है, सब मगध में है, ये कहाँ पर है, मगध में। ठीक है,
अब मगध में आपको देखना है कि जब मगध में एक समय पर अकाल पड़ता है, क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो जो स्थूल भद्र है, स्थूल भद्र ये यही मगध में रुक जाते हैं। कहाँ रुक जाते हैं, मगध में रुक जाते हैं, ठीक है, मगध में रुक जाते हैं। लेकिन ये जो भद्रबाहु होते हैं ये कर्नाटक चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक तरफ चले जाते हैं, ठीक है, कर्नाटक तरफ चले जाते हैं। तो जो स्थूल भद्र थे इसको कैसे याद रखेंगे कि ये मगध में रुके हैं, स्थूल का मतलब होता है रुकना, क्या होता है, रुकना, ठीक है, मतलब चल फिर नहीं रहा, स्थूल हो गया, ठीक है। तो यहां से आपको याद रखना है कि जो रुक गए थे वो क्या करने लगे, सफेद कपड़े पहनने लगे, क्या करने लगे, सफेद कपड़े पहनने लगे, ठीक है, क्या करने लगे, सफेद कपड़े पहनने लगे। मैं एक बार देख लेता हूं कि कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, देखिए कैमरे में नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर इसको लिखता हूं। यहां पे ये कहां चले गए थे, कर्नाटक में, ठीक है, और ये कहां थे, मगध में ही रुके थे। यहां तक आपको याद रखना है, मैं इसे ऊपर लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ये आप नोट कर लिए होंगे चंदना वगैरह, तो मैं इसको इरेज करके यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं भद्रबाहु की, किनकी, भद्रबाहु की, भद्रबाहु, तो भद्रबाहु कहां चले गए थे, कर्नाटक में, ठीक है, कहां चले गए थे, कर्नाटक में, कहां चले गए थे, कर्नाटक में। ठीक है, ये जो भद्रबाहु कर्नाटक गए थे तो ये इन्होंने क्या किया, ये पहले जो मुख्य रूप से हमारा जो जैन संप्रदाय था, तो यहाँ पे लोग क्या होते थे, दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर मतलब दिशाओं को जो अपना आवरण मानते थे, ठीक है, दिशाओं को जो अपने कपड़े मानते थे, तो क्या थे ये सबसे मुख्य रूप से क्या थे, दिगंबर थे, क्या थे, दिगंबर थे, ठीक है, क्या थे, दिगंबर थे, क्या थे, दिगंबर थे। तो भद्रबाहु चले गए कर्नाटक, जब मगध में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु कर्नाटक चले गए, और जो स्थूल भद्र थे, जो स्थूल भद्र थे तो ये यहीं रुके रहे, कहां पर, मगध में, स्थूल भद्र मगध में रुके रहे। तो स्थूल भद्र ने अपना जो हो तो रवैया बदल दिया, क्या बदल दिया, अपना रवैया बदल दिया, ठीक है, और इन्होंने अपने अनुयायियों से, जो इनके बाद जो अनुयायी रहे, तो इन्होंने क्या किया, इनके साथ इन्हें जो हो तो श्वेतांबर बना दिया, क्या बना दिया, श्वेतांबर बना दिया, क्या बना दिया, श्वेतांबर बना दिया, मतलब ये लोग क्या करने लगे, सफेद कपड़े पहनने लगे, ठीक है, जो रुके थे, स्थूल मतलब रुकना, जो मगध में रुक गए थे वे श्वेतांबर हो गए, ठीक है, श्वेत कपड़ों को पहनने लगे, और जो चले गए थे उनको पता ही नहीं चला कि हमारे साथी लोग बदल चुके हैं, तो वो वैसे के वैसे ही रह गए, ठीक है, तो दिगंबर रह गए। तो यहां से आपको याद रखना है, यदि पूछेगा कि दिगंबर के, दिगंबर के मुख्य जो तो अनुयायी कौन थे, ये मुख्य कौन थे, तो भद्रबाहु, ठीक है, यदि पूछेगा कि जो श्वेतांबर थे उनके प्रमुख कौन थे, उस शाखा के प्रमुख कौन थे, तो स्थूल भद्र, दिगंबर शाखा के प्रमुख कौन थे, तो भद्रबाहु, ऐसे आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं, तो जैन धर्म में पांच महाव्रत बताए गए हैं, ठीक है, इनमें से जो पांचवा महाव्रत है ये जो ब्रह्मचर्य है, इसके अलावा चार महाव्रत हमारे शुरू से चले आ रहे थे, लेकिन जो पांचवा महाव्रत है तो इसको हमारे महावीर स्वामी ने जोड़ा था, कौन, किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, अहिंसा, अहिंसा मतलब, हिंसा मतलब मारना, अहिंसा मतलब ना मारना, तो हमको क्या करना है, अहिंसा रखना है, ठीक है ना, अहिंसा रखना है, ठीक है, सत्य बोलना, क्या बोलना, सत्य बोलना, क्या बोलना, सत्य बोलना, ठीक है। और यहां पे क्या है, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, क्या ना करना, चोरी, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, ठीक है, चोरी नहीं करना, ठीक है। यदि हम आगे बात करें, अपरिग्रह मतलब घर में इकट्ठा करके चीजों को नहीं रखना, घर में इकट्ठा करके चीजों को नहीं रखना, ठीक है, घर में इकट्ठा करके चीजों को नहीं रखना, ठीक है। और ये ब्रह्मचर्य, ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये पांच महाव्रत बताए गए हैं, अब मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ, कुछ पॉइंट और हैं तो उन्हें भी हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट और मैं आपके सामने लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम बौद्ध धर्म करेंगे आगे तो बौद्ध धर्म में ही आगे ये चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे हमारा जैन धर्म है, तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है कि नहीं है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्या है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, और जैन धर्म में पुनर्जन्म की भी मान्यता है, और जैन धर्म में कर्मवाद की भी मान्यता है। कर्मवाद यानी जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है? तो कर्मवाद की मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता है, आत्मा की मान्यता है, बस ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है। आगे जब हम बौद्ध धर्म जब करेंगे तो ये चीजें हम कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आगे यहाँ पे देखते हैं सांख्य दर्शन, जो विचार लिए गए हैं जैन धर्म के, तो काफी सारे विचार अपने सांख्य दर्शन से लिए गए हैं जो सनातन धर्म का हिस्सा है, ठीक है? आगे देखते हैं, यदि यहाँ पे राजाओं की बात करें तो जैन धर्म के समय में कौन कौन से राजा थे? तो उदायन, कौन था? उदायन, उदायन इनके समय में था जैन धर्म के समय में, ठीक है? जैन धर्म के जो जैन धर्म के समय नहीं, जैन धर्म से को जो मानते थे वो राजा, ठीक है? इसके आगे यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा कौन? चंदेल शासक थे, ठीक है? कौन थे? चंदेल शासक। और इसके अलावा थे कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल, ठीक है? कलिंग राजा खारवेल, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से किसे याद रखना है? उदायन को और चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंदेलों को भी आप याद कर सकते हैं। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो बाहुबली, जो बाहुबली की एक प्रतिमा, किसकी? बाहुबली की, ठीक है? बाहुबली की प्रतिमा को क्या कहा जाता है? गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला में। कहाँ? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। कहाँ है? श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला। कहाँ? कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है? कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। तो इसकी इसकी स्थापना किसने करवाई थी? गंग वंश के चामुंडा ने। किसने? गंग वंश के चामुंडा ने, ठीक है? गंग वंश के चामुंडा ने इसकी स्थापना करवाई थी। और ये जो मूर्ति है, तो ये इसके ये किस अवस्था में है? तो कायोत्कर अवस्था में, ठीक है? आपको उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बस आप ये याद रखिएगा, ये चामुंडा ने इसकी स्थापना करवाई थी। कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला में। यदि याद आए कि बाहुबली या गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है, तो इसको आपको याद रखना है। और इसके अलावा जब हम मौर्य वंश करेंगे तो आप उसमें ये भी देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था तो श्रवण बेलगोला में ही अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है? आगे यदि हम बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो में यदि हम देखते हैं तो खजुराहो का जो जैन मंदिर है, खजुराहो का जैन मंदिर, इसको आपको याद रखना है, खजुराहो का जैन मंदिर, खजुराहो का जैन मंदिर, ठीक है? इनका निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो का जैन मंदिर किन शासकों ने करवाया था? तो चंदेलों ने। किन ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेलों ने, ठीक है? यदि हम मथुरा की बात करें तो मथुरा, मथुरा क्या था? जैन धर्म का, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है? तो इसको भी आपको याद रखना है, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यदि क्वेश्चन जैसे ऐसे आता है और चार ऑप्शन दिए होंगे उसमें, चार शहरों के नाम, और उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो मथुरा था, ठीक है? और इसी समय मथुरा कला का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? मथुरा कला का विकास हुआ, मथुरा कला का विकास हुआ, ठीक है? तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। आगे भी हम बात करें कल्पसूत्र की, तो कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र हमारा गया है, तो कल्पसूत्र जो हमारे जैन तीर्थंकर थे तो उनकी जीवनी है। क्या है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में लिखी गई है। और इसकी रचना किसने की है? ये क्या है? तीर्थंकरों की जीवनी है। क्या है? ये जीवनी है। और इसकी रचना किसने की है? भद्रबाहु ने। किसने की है?
भद्रबाहु ने, ठीक है। अभी जो हमने बात की थी कि भद्रबाहु जो किसके प्रवर्तक थे, तो ये अपने किसके प्रवर्तक हैं, किसके जो किस संघ के प्रमुख थे, तो दिगंबर के, ठीक है। दिगंबर जो हो तो संप्रदाय से इनका ताल्लुक था, ठीक है। और यदि हम स्थूल भद्र की बात करें तो श्वेतांबर जो तो उनका प्रमुख, श्वेतांबर के प्रमुख स्थूल भद्र थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या डिस्कस करना है, यहाँ पे इरेज करके मैं बता देता हूँ। हम समितियां देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, समितियां, ठीक है। तो दो समितियां हैं, तो देखिए समितियां जैन धर्म की समितियां, पहली जो समिति है तो 300 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? 300 ईसा पूर्व में। कब हुई? 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। समितियां का मतलब बैठ करके शास्त्रार्थ, वाद विवाद ये सब करना, ठीक है, ये समितियों का मतलब है। तो 300 ईसा पूर्व में हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, इधर दिखेगा, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। कौन थे? स्थूल भद्र। कौन थे? स्थूल भद्र। और स्थान क्या था? स्थान भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। स्थान क्या था? पाटिलपुत्र। क्या था? पाटिलपुत्र, ठीक है, पाटिलपुत्र। तो आपने देखा ही था अभी जब हम थोड़ा पीछे बात किए थे कि स्थूल भद्र मगध में ही रुके थे और इन्होंने जो हो तो श्वेतांबर का जो हो तो नेतृत्व किया था, ठीक है, श्वेतांबर तरफ का। और यहाँ पे देखिए, इसीलिए यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये पाटिलपुत्र में रहेंगे तो ये अध्यक्षता जो हो तो स्थूल भद्र करेंगे, पाटिलपुत्र यानी पटना के आसपास के क्षेत्र को, ठीक है। यदि हम दूसरी समिति की बात करें तो दूसरी समिति हमारी कब बनी थी, ये दूसरी समिति कब आयोजित की गई, तो दूसरी समिति हमारी आयोजित की गई 512 ईस्वी में। ये ईसा पूर्व में है और वो 512 ईस्वी में, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुई थी, तो ये अपने कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी बल्लभी गुजरात में। कहाँ हुई थी? बल्लभी गुजरात में। कहाँ हुई थी? बल्लभी गुजरात में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। कौन थे? क्षमा श्रवण, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। और ये हमारा यहीं से जैन धर्म पूरा खत्म होता है और इसके बाद फिर हम कल जो लेक्चर लेकर के आएंगे तो उसमें करेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। तो यदि स्पीड आपको वीडियो की धीमी लग रही हो तो आप थोड़ा सा स्पीड इसकी बढ़ा करके देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख लिख के इसलिए बताता हूँ ताकि यदि पहले से पूरा लिख करके लाएंगे तो उसमें मजा नहीं आती है पढ़ाने में और आपको भी जो हो तो अनकम्फर्ट मुझे लगता है शायद महसूस होगा। तो यदि धीमा लगता हो तो आप पढ़ले ही तेजी से स्पीड करके देख लीजिए तो वो ज़्यादा ठीक है, लेकिन मैं यदि लिख लिख के पढ़ाऊंगा तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी शायद मुझे लगता है अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।